हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम आपकी हिंदी की उत्तम की बुक का चैप्टर 5 कर रहे हैं। चैप्टर का नेम क्या है? नाम बताने वाले शब्द संज्ञा। नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन को। आपने इंग्लिश के इंग्लिश में चैप्टर किया हुआ है ना नाउन, तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं हिंदी में। ओके, अब मैं ये चैप्टर रीड कर रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना है। सुरेश आओ, रमेश आओ, गीता आओ, नीलम आओ, झूमो नाचो, मिलकर गाओ, पीट पीट कर ढोल बजाओ, केले खाओ, लीची खाओ, अपने अपने घर को जाओ। तो इसमें मैंने क्या रीड किया है? एक कविता रीड की है। तो इसमें देखो कुछ शब्द क्या हैं, पिंक पिंक कलर के हैं, कुछ शब्द क्या हैं, पिंक कलर के हैं, कुछ शब्द ब्लैक कलर के हैं। तो ये जो पिंक कलर के शब्द दिए हुए हैं इस कविता में, ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जो पिंक पिंक कलर के शब्द दिए हुए हैं वो किसके नाम है? किसी व्यक्ति की, किसी प्राणी की, किसी वस्तु की या किसी स्थान के नाम है। देखो सुरेश, रमेश, गीता, नीलम, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है। और ढोल, ढोल किसी वस्तु का नाम है। केले, लीची, ये भी किसके नाम है? वस्तु के नाम है। और घर क्या है? स्थान के नाम है। तो ये सब क्या कहलाए? संज्ञा कहलाए। ओके, नेक्स्ट देखो, ये सभी नाम बताने वाले शब्द हैं। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताते हैं। ऐसे और बहुत सारे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताते हैं। मैं आपको तो नेक्स्ट पेज देखो क्या है, आओ तुम्हें एक घटना सुनाते हैं। इसमें क्या है? एक बार पिताजी हम सबको चिड़ियाघर ले गए, रजत भी हम सबके साथ था। वह मालिक का बेटा था। चिड़ियाघर में जिराफ, बंदर, हिरन आदि जानवर थे। रजत ने देखा कि एक पिंजरे में शेर खड़ा था। शेर को देखकर रजत थर थर कांपने लगा। पिताजी ने रजत को समझाया, रजत क्यों डर रहे हो? शेर तो पिंजरे में बंद है, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर रजत का डर कम हुआ। इसके बाद हम सब घर लौटे। जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है वे सब वे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम हैं। अब देखो रेखांकित मीन्स जो जो यहाँ पर पिंक कलर में दिए हुए हैं वो शब्द क्या हैं? सारे संज्ञा हैं। वो सब शब्द क्या है? संज्ञा है। देखो फर्स्ट लाइन में पिताजी, चिड़ियाघर, रजत, ये दिया हुआ है। फिर सेकंड में मालिका का, फिर बेटा, फिर जिराफ, बंदर, हिरन, जानवर, पिंजरे, शेर, रजत, घर, ये सब क्या दिए हुए हैं? पिंक कलर में दिए हुए ये सब शब्द क्या हैं? संज्ञा है। अब इनको देखो अलग अलग करके लिखा हुआ है। व्यक्ति का नाम, इसमें व्यक्ति के नाम कौन कौन से हैं? पिता, पिता एक पर्सन नेम हो गया ना, व्यक्ति का नाम हो गया। रजत, रजत भी व्यक्ति का नाम हुआ। मालिका का भी व्यक्ति का नाम हुआ। और बेटा भी व्यक्ति का नाम हुआ। तो व्यक्ति के नाम, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? प्राणी का नाम। अब प्राणी यानी कि जानवरों के नाम होते हैं, जो एनिमल्स के नेम होते हैं, ये सब क्या होते हैं? प्राणियों के नेम होते हैं। जैसे जिराफ दिया हुआ है, इसमें बंदर, हिरण, शेर, जानवर दिए हुए हैं ना, ये सब प्राणी के नाम है। नेक्स्ट क्या है? वस्तु का नाम। वस्तु का नाम इसमें कौन सा आया? पिंजरा। और स्थान का नाम, स्थान का नाम यानी कि किसी भी जगह का नाम, जहाँ जैसे तुम रहते हो, हनुमानगढ़ हो गया, जैसे मंदिर का नाम हो गया, किसी भी स्कूल का नाम हो गया, किसी भी जैसे यहाँ पे दिया हुआ चिड़ियाघर, ये सब क्या है? स्थान के नाम है। तो ये क्या है? स्थान के नाम। तो किस किस के नाम को हम संज्ञा कहते हैं? व्यक्ति के नाम को, प्राणी के नाम को, वस्तु के नाम को और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया संज्ञा किस किस को कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो ये सब शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं।
आपको ये चैप्टर अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको जो पीडीएफ में वर्क आएगा उसको आपने नीट एंड क्लीन राइट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।